हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग को काउंट करने का एक प्रोग्राम हमने बनाया है। आइए देखते हैं वो प्रोग्राम है कैसा। तो यहां पर कोड ब्लॉक्स के ऊपर ये प्रोग्राम मैंने लिखा है और यहां पर हेडर फाइल मैंने यूज की है stdio.h और यहां पे string.h एक हेडर फाइल होती है उसे मैंने यूज किया है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की बात है तो string.h और यहां पे getters यूज किया है, ये खास बात है। ठीक है, अब इसको अगर हम चलाते हैं तो क्या आएगा। यहां पर मैं इसको चला के दिखाता हूं। सबसे पहले तो कंपाइल कर देता हूं, देन इसको रन करवा देता हूं। तो रन करवाने पर यहां पर स्ट्रिंग हमें एंटर करना है, जो भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे हम ही एंटर करेंगे। तो यहां पर यूजर द्वारा स्ट्रिंग एंटर होगा, गेटर्स लगा हुआ है यहां पर। तो यहां पर देवरिया मैं लिखता हूं, देवरिया। ठीक है, देखिए देवरिया लिख दिया। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो इसकी स्ट्रिंग काउंट करके ये बता रहा है कि इसकी स्ट्रिंग 6 है। लेंथ कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्ट्रिंग है इसकी। अगर मैं कुछ और यहाँ पे लाइक कंपाइल करवाया, देन यहाँ से रन करवाया, अब यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मिर्जापुर, ये लिखा। तो यहाँ पर देखिए इसकी भी स्ट्रिंग कितनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा, ये देखिए 8 स्ट्रिंग आ रहा है। तो यहाँ देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी मदद से आप स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग कितनी लंबी है। ठीक है,